गोंदिया जिले के अंतिम छोर पर स्थित अर्जुनी मोरगांव तालुका के अरुण नगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच देखने को मिला। इस गांव में 5 राज्यों की 33 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया है। आमतौर पर बच्चों में क्रिकेट का जुनून काफी हद तक देखने को मिलता है, लेकिन इस टूर्नामेंट से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में भी फुटबॉल का जुनून आज भी बरकरार है। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका में अरुण नगर, जो गढ़चिरौली जिले के बहुत करीब है, वहाँ बंगाली रहते हैं और आबादी 13,1400 है। लेकिन फुटबॉल जैसा खेल इस क्षेत्र में व्यापक रूप से खेला जाता है और गांव 2008 से एक फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इस साल भी इस जगह पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों की फुटबॉल टीमें आई थी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इस आयोजन स्थल में 33 टीमों ने भाग लिया और आखिरी मैच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव के अरुण नगर टीम ने टूर्नामेंट जीता। आज भी ग्रामीण इलाकों में क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल खेलने का क्रेज बरकरार है। इस गाँव ने ये कर दिखाया है। इस गाँव के युवाओं ने उत्साह दिखाया है। ये टूर्नामेंट देखिए 2008 से चालू हुआ, तकरीबन आज 15-16 साल ये टूर्नामेंट चालू है। और ये साल में ये जो टूर्नामेंट अभी ये साल हुआ 2023 में, जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये टोटल मिला के 5 राज्य से टीमें यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे टोटल 33 टीम आया है ये साल में, सब बाहर के राज्यों के ही टीम में। फाइनल हुआ हमारे अरुण नगर के नेताजी क्लब अरुण नगर वर्सेस बालाघाट एमपी मध्य प्रदेश का टीम है, बालाघाट पुलिस बॉयज बालाघाट, उनके बीच में। और जो इसमें प्रथम पुरस्कार था 50,000 रुपये और एक ट्रॉफी था, और सेकंड प्राइज था 25,000 रुपये, एक ट्रॉफी था उसमें। ये विदर्भ में आता है हमारा गांव अरुण नगर, और हमारे गांव के टीम ही ये प्रथम प्राइज जीते हैं। 4,500 तकरीबन हमारे गांव का पॉपुलेशन है, 650-650 घर है हमारे गाँव में। टोटल ग्राउंड जो है हमारे गाँव का, ये झुड़पी जंगल में आता है, तो इसमें कैसा ग्राउंड अपने ग्राम पंचायत के नाम पे ना होने के कारण हमारे जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो अपने टूर्नामेंट में वो नहीं मिल पाता है। दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी पण प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये या अरुण नगर या आमच्या गावामध्ये फुटबॉल टूर्नामेंट या दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी पण भरवलं गेलं, आणि या ठिकाणी 5 राज्यातून 33 टीम या ठिकाणी भाग घेतला आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं प्रतिसाद अरुण नगरवासियांचा तर असतोच असतो, परंतु आजूबाजूचे गौरनगर आणि सगळ्या राज्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी लोक येतात ना। मला वाटते हा अत्यंत उत्साहवर्धक असा का या ठिकाणी हा कार्यक्रम झाला। या ठिकाणी प्रचंड उत्साह सगळ्या तरुणांमध्ये असतो आणि फुटबॉल हा त्यांचा जीव आहे की प्राण आहे, अशा पद्धतीनं गावातले प्रत्येकच जण या ठिकाणी सहकार्य करतो आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी हा प्रचंड मोठा प्रतिसाद आणि उत्साह आपल्या सगळ्यांना भेटतो। अत्यंत खेळाडी वृत्तीनं या ठिकाणी भाग घेतला जातो आणि कोणत्याही पद्धतीची गडबड न होता हा कार्यक्रम इथं चांगल्या पद्धतीनं करतात दरवर्षी। या ठिकाणी अरुण नगरनं ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून ठराव घेऊन हा सामूहिक दाव्याचा प्रस्ताव मागच्या कालखंडामध्ये SDO कार्यालयामध्ये दिला होता, त्याच्या पुढच्या संदर्भामधले त्याच्यातल्या ज्या काही त्रुटी असतील तर त्या त्रुटी आपण महिनाभरामध्ये दूर करून हा सामूहिक दाव्याचा प्रस्ताव आपण हा करू। मी आत्ताच सरपंच मॅडमशी बोललो, त्यांचं म्हणणं होतं की त्याच्यातल्या काही त्रुट्या अजून राहिलेल्या आहेत, तर त्या सगळ्यांना मी या ठिकाणी आग्रहाची विनंती करेन ग्रामपंचायतला विशेषत्वानं, का त्यांनी पूर्णत्वाप्रमाणे हा जर प्रस्ताव दिला तर एका महिन्याभरामध्ये आपण सामूहिक दाव्याचा प्रस्ताव हा जिल्हाधिकारी महोदयांकडून या ठिकाणी मंजूर करू आणि किमान 2.5 एकर जागा म्हणजे 1 हेक्टर जागा आपल्याला याला देता येईल, तर ती 1 हेक्टर जागा आपण या ठिकाणी इथले पंचायत समितीचे सदस्य डॉक्टर कुंभरे साहेब हे जिल्ह्याच्या वनसक्क समितीचे सदस्य आहेत, त्याच्यामुळे हा सोपा होईल कारण ते इथलेच सदस्य असल्यानं। हालांकि इस स्थान पर फुटबॉल खेलने वाले युवाओं और आयोजकों ने खेद व्यक्त किया कि उनके पास इस खेल मैदान में एक अच्छा मैदान नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है वह घना जंगल है, लेकिन मैंने इस पर ध्यान दिया है। सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने कहा कि यथाशीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत कर इन खिलाड़ियों को ग्राउंडिंग के लिए यह जमीन कैसे दी जा सकती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह इसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।